अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में जागरूक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेमिनार आयोजित कर ताइक्वांडो ट्रेनर्स द्वारा आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार की पत्नी जया श्रीवास्तव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह ट्रेनिंग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दी जा रही है, जिससे वे खुद को आत्मनिर्भर बना सके। उन्होंने कहा यह ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए दी जा रही है। इस अवसर पर डीआईजी राजेश डी मोदक की पत्नी ज्योति तथा एसएसपी की पत्नी सुमन पुनिया, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, आरआई लाइन उमेश कुमार दुबे, सुभाष भारती सहित महिला आरक्षी मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार की पत्नी जया श्रीवास्तव ने कहा कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हम रोड पे जा रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ हो रहा है या कोई स्नैचिंग हो रही है, तो हम उससे कैसे बचेंगे, हम उसका टेक्निक्स यहाँ पे दिखाएंगे और फिर आप लोग करेंगे। तो मार्शल आर्ट्स नहीं पता, सबके पास इतना पावर नहीं है कि किसी को एक पंच मार दी है वो छोड़ दिया। तो बेसिक टेक्निक्स क्या है कि एकदम इजी, तो पहले अगर कोई ऐसे आपका हाथ पकड़ लेता है तो हम लोग कैसे छुड़ाएंगे। अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, हमारे पास सबको नहीं रहता था। अगर ये ऐसे टाइट से कोई हाथ पकड़ा है, कितना भी पावरफुल हो, मैं टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी पकड़ ले आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। ये फोर फिंगर है जिधर दिख रहा आपको, और ये सिंगल, तो हमको फोर फिंगर की तरफ नहीं, इधर ट्विस्ट करना है राइट साइड, ये होल्ड किए, ये आसानी से एकदम निकलेगा। आप ऐसे जाएंगे तो नहीं छूटेगा, इधर जाने पर छूटेगा। ये जो सिंगल हैंड है ये ऐसे दिख रहा आपको, जिधर अंगूठा है हमारा थम है उस साइड हमको अपने हैंड को ऐसे ट्विस्ट करना है और ऐसे निकालना है। ये जो सो रहे हैं वैसे इनको बड़ी बच्चियां ये जो फैमिली नाइन की टीनेजर बच्चियां हैं उस साइड से टर्न नहीं करेंगी, जो अभी फर्स्ट फिंगर थंब जो है वो साइड से ऐसे टर्न करेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जैक्टली व्हाट अगर आपने फोर फिंगर से ये साइड ये जो थंब से करेंगे हम स्टार्ट, अगर आप फोर फिंगर से करेंगे तो आपकी ताकत जैसे ज़्यादा लगेगी, बट अगर आप थंब के साइड से टर्न करेंगे ऐसे टर्न करके उसके हाथ से मारेंगे तो आप इजली उसको छुड़ा सकते हैं, ठीक है। अभी जिस साइड पे जा रहा हूँ उसी साइड करना आपको, ये ऐसे और ये इस साइड ऊपर की तरफ आपके राइट साइड अगेन। अगर आप तेज से करोगे झटके से तो इजली निकल जाएगा। अभी काउंटिंग करेंगे, वन टू पे फ्राई, वन टू छूट रहा है ये इजली, ये हम लोग अभी क्या कह रहे थे इधर से छुड़ा रहे। अभी दूसरी टेक्निक ये है, हम इस ऐसे हाथ सीधा मेरा
ये उनका हाथ खुद ग्रिप कर लेंगे, ये 1 2, अब इसके बाद ये 3, चलिए फिर से करिए 1 2 3, ओके 1, हाथ सामने ही ओढ़ सकते, 2 1 2 1 2, लेफ्ट हैंड वर्ड लेफ्ट कौन सा है, 2 आप लोगों की पता है ना, तो सही जाना है ये ऐसे, और तभी भी ध्यान रखिए छुड़ाने के बाद हमको यहाँ से ऐसे कम से कम 3 feet 2 feet बैक होना है, क्योंकि यहाँ रक्षा और पास बल दो ही ऐसी चीजें होती हैं आपको। ऐसे अगर कोई पकड़ा है तो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है ना? ये कितना भी पावरफुल पकड़े, हमको कुछ करना नहीं है, नी बैंड करना हो नीचे की तरफ बैठना है सीधा, ये ठीक है सबको, हमको जंप करना है और नीचे जाना है और हाथ को ऐसे ऊपर, ये वो देखिए बैठना है, और ये इसको देन आस्क एनीथिंग। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंचासीन होने के लिए आग्रह करती हूँ। अगर ऐसे कोई पकड़ा है हमको क्या करना है, नेक्स्ट उसका जस्ट अपडेटेड वर्जन, यहाँ से पीछे की तरफ इनके ऐसे पैर करना है, ठीक करने के बाद ये मेरा हाथ ये ऐसे सीधा पीछे जाना है और इनके लिए उद्देश्य यही है कि महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए और रोज़मर्रा की जो भी उनको परेशानी है उनसे वो डील कर सकें, कई चीज़ों के लिए वो नहीं अप्रोच कर पाती हैं, अपने आप से हैंडल कर लें, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें कभी भी। अभी सेल्फ डिफेंस की दी जा रही है ट्रेनिंग बेसिक, कि अगर किसी भी परिस्थिति में हो, अकेली हो, कोई दूसरा ना हो हेल्प करने के लिए, तो उसको वो कैसे हैंडल कर लें। हाँ यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं सब सेल्फ डिपेंडेंट बने, जितना हो सके अपने ऊपर ही भरोसा करें, कभी ऐसी स्थिति ना हो उनके लिए कि दूसरे के ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़े।